बाहर निकला हूँ तो एक यकीन था मेरे दिल के अंदर कि तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। पता नहीं क्यों मैंने अक्सर को फोन किया तो अक्सर ने फोन नहीं उठाया। अगले रोज जब अक्सर मुझे मिला तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा उसको बताना, आसिम को बोलना कि कुछ भी नहीं होने वाला उसकी बेटी, शी इज गोइंग टू बी फाइन। आई डोंट नो, आपको बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी दुआएं, बहुत बहुत लोगों की दुआएं हैं और जितने भी स्टूडियो में बैठे उन सबों की दुआएं, कैमरामैन हो गए, बैंड वाले हो गए आपके, मैं उस दिन इनका शुक्रिया तो नहीं कर पाया लेकिन इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मेरी बच्ची का इतना अच्छा इस्तकबाल किया और इन सबों की दुआएं इंशाल्लाह इस बच्ची के साथ रहेंगी। अच्छा ये बताइए, आप जवान रहना चाहते हैं सारी उम्र? समझ नहीं आ रहा, अब मुझे शो भी आगे तो लेके चलना है तो मुझे बताओ, जवान रहना चाहते हो तुम सारी? इनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी दोनों बेटियों के लिए कुछ भी कर। अब अगर मुझे उसके लिए जवान रहना पड़े या बुढ़ा होना पड़े, मैं तैयार हैं आप? हाँ, अब आबिद खातिन तो कभी बूढ़ी होती नहीं वो तो हमेशा जवान रहती है। अच्छा जी, ये जो है इन्हें जानते तो आप वैसे किसी और वजह से हैं, कराटे की वजह से जानते हैं, बट ये योगा की ऐसी ऐसी एक्सरसाइज बताते हैं कि अगर आप उनको फॉलो करें तो आप अपनी एज को रिवर्स कर सकते हैं, उस पूरे प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वसीम अशरफ ताई एंड राशिद छोटू। राशिद इज माई को होस्ट और आज ये लाहौर से आए हैं, आज इनका पहला दिन है और बहुत थके हुए थे लेकिन मैंने ये कहा, मैंने कहा जब हमने इनको स्टोरी सुनाई तो मुझसे कहने लगे मैं हादिया और जिया के लिए यहाँ पे आऊंगा और मैं जरूर आके उनके सामने थोड़ा सा डांस करके दिखाऊंगा उनको। तो यू वांट डांस राइट नाउ? या ये आपके लिए हो रहा है, ये आपके लिए हो रहा है, गो कुछ बजाइए जी। तेरी मेरी प्रेम कहानी है बहुत मुश्किल, क्या है देखो, अभी तक जिया ने किसी को प्यार नहीं करने दिया, तुम प्यार कर सकते हो जिया को जाके? जाओ सोचो क्या होगा। जी पति वर्ष ताई साहब, नादिया हुसैन, जिया ऑफ कोर्स, मिसेज आसिम एंड आसिम साहब, और ये बताइए जवान कैसे रहा जाता है, रिवर्स कैसे किया जाता है एज के प्रोसेस को? वैसे तो एक्सरसाइज का फायदा सबको मालूम है कि एक्सरसाइज करने से आपको बहुत से फायदे होते हैं, लेकिन उसमें योगा एक्सरसाइजेस में कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जिसको एंटी एजिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, ऐसा जो आपका एज का प्रोसेस जो है उसको स्टॉप करता है, आपका फेस जो है वो फेस साइज बड़ा नहीं होता, आपके फेस पे एज नजर नहीं आती, तो ये एक पूरा प्रोसेस है, मतलब पूरा एक्सरसाइजेज हैं जो आप ब्रीथिंग फेशियल एक्सरसाइज बताते हैं। मैं कल इनके पास था तो फेशियल एक्सरसाइज बता रहे थे, तो वो भी आप बताएंगे ना अभी? जी जी, वो जो क्या 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 कहते हैं जिससे चेहरा ये डबल चिन कम होती है वो कैसे होती है? एक्चुअली ये होता है कि आपको जैसे आप एक्सरसाइज वैसे तो सारा करें तो आपको मतलब होता है, लेकिन अगर आप डबल चिन है आपको उसको कम करना है तो आप ये स्ट्रेच करते हैं, थोड़ा सा मुंह को खोलते हैं कैसे, और नीचे का ऐसा अब बताइए आप ऊपर लेके जाते हैं और इसको यू स्ट्रेच करते हैं ऐसा, वाकई और जब आप ये स्ट्रेच करते हैं तो आपका डबल चिन जो है वो 10 to 15 days में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है ऐसा, यू नो ना। और इसी तरीके से आपको एक काम करते हैं,
एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आई बैग के बारे में बात करेंगे, जो नीचे आई बैग आ जाते हैं इसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे कि अगर आप 36 के हैं हाउ कैन यू लुक 26, या लग सकते हैं ना 26 के लग सकते हैं, आपने बोला था, वादा किया था। Ladies and gentlemen, once again, नया नाजाबाद इज अ प्लेस जहां आपको अफोर्डेबिलिटी मिलती है, जहां आपको प्राइस मिलती है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। मैं खुद वहां पर गया था, नौना सी मैं वहां पर गया था, इट्स अमेजिंग प्लेस। जैसे ही आप अंदर जाते हैं आपको ऐसा लगता है जैसे आप एक नई दुनिया में आबाद, नई दुनिया के अंदर आ गए, एक शहर में वो एक नया शहर आबाद होने जा रहा है जहां पर 100% क्लीन लैंड ओनरशिप आपकी होगी। थोड़ा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हुई जिंदगी की रोशन इस सोच के साथ कि कर जाऊं कुछ ऐसा जिससे हो मेरा नाम, कदम फिर बढ़ते गए और पाया एक मकाम। बना मेरा नाम किसी की पहचान, फिर दुनिया कुछ अलग दिखी, सोचों के जाविये बदले, आरजू हुई कि हो एक ऐसी जगह जो हो मेरा फख्र, जिस पे लिखा हो मेरा नाम। नया नाजमाबाद सही हसन नॉर्थ नाजमाबाद कराची से सिर्फ 2 किलोमीटर पर एक शहर बस रहा है शहर के बीचों बीच। नया नाजमाबाद अ प्रोजेक्ट ओन बाय जाविदा कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्पॉन्सर्स आरएफ हबीब एकेडी एंड गनी उस्मान हम ग्रुप। अभी कॉल करें 1111-511-611। डेंगू से बचाव मुमकिन है, डेंगू से तहफ्फुज का वाहिद हल डेंगू मच्छर से बचाव है। फजर और मगरिब के वक्त घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें और मोर्टीन मस्कीटो स्प्रे इस्तेमाल करें। मोर्टीन का इस्तेमाल डेंगू से तहफ्फुज। चाहे मेरे हाथ मेरे पल के कितने ही जख्मी क्यों ना हो, ये मेरा दिल से वादा है। बचाव मुमकिन है, डेंगू से तहफ्फुज का वाहिद हल डेंगू मच्छर से बचाव है। लंबी आस्तीनों वाले कपड़े पहने और मोर्टीन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इस्तेमाल करें। मोर्टीन का इस्तेमाल डेंगू से तहफ्फुज। सुबह जब उठते हो जरासीम का सामना, दोपहर को जब करे शरारत, या शाम को खेल कूद, नॉन स्टॉप हिफाजत चलती रहती है। जी हाँ, डेटॉल सोप के नॉन स्टॉप प्रोटेक्शन फॉर्मूले में है शामिल डेटॉल की ताकत, जो दे जरासीम से 24 घंटे की नॉन स्टॉप हिफाजत पूरा दिन और सारी रात। नॉन स्टॉप हिफाजत में माओ का हथियार डेटॉल, 300% श्योर। पहुंच गए हैं हम कराची, रोशनियों के शहर का मजा ही कुछ और है, लेकिन हम यहाँ आए हैं एसेट को मजा चखाने नए हार्पिक के साथ। हार्पिक देखा 500 बेहतर सफाई, वो भी एसेट से, हो ही न जाए। चैलेंज ये देख रही हैं आप, हार्पिक अपने गाढ़ेपन की वजह से ठहर गया जबकि एसिड बह जाता है, और ये चमकदार सफाई। वाह कमाल हो गया, ये तो बाकी के एसिड से बेहतर है। सिर्फ बेहतर नहीं, 5 गुना बेहतर। हार्पिक ने एसिड का कर दिया सका, कराची की खवातीन ने माना। अगला चैलेंज आपके मोहल्ले। कितनी लंबी कॉल है, कितनी लंबी लाइन थी, सच
सर्च जज्बा बड़ी बात ऑफर, जेब पे हल्की सब पे भारी। जज्बा कस्टमर्स ऑफर हासिल करने के लिए *105*1# डायल करें। धूल मट्टी धुआं कभी गले को सताए, टेंशन ना ले। खोल खुल के बोल। नई बीट सुप्रीम एसेंस हेयर रिमूवल क्रीम, इसमें है एसेंशियल ऑयल और वेलवेट रोज फ्रेग्रेंस जो बनाए मेरी स्किन स्मूथ और ग्लोइंग। फेज अब आपके लिए साशे में भी वही खूबसूरती का एहसास सिर्फ 25 रुपए में। रिन लाया एक बार फिर जबरदस्त चुनावी ऑफर। रिन 1 kg नामी पैक के साथ अपना फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड की कॉपी भेजो और जीतो 1,00,000 रुपए कैश रोजाना। पिछली मरतबा कई लोगों ने जीता 1,00,000 रुपए का इनाम। जल्दी कीजिए, हो सकता है इस मरतबा रिन के लकी विनर आप हों। ₹10,000 ऑफ कोर्स आप हमें SMS कर सकते हैं 436 पे। SMS करने का तरीका ये है, साहिर स्पेस मैसेज स्पेस देन योर नेम एंड सेंड इट टू 436। एक सेगमेंट होता है वी कॉल इट सच या झूठ, और उसके अंदर हम नादिया से वो खेलने जा रहे हैं। नादिया हम एक स्टेटमेंट आपको बताएंगे, यू हैव टू गेस इफ इट्स ट्रू और इफ इट्स फॉल्स, लेकिन आप सब उसमें नादिया की मदद कर सकते हैं। इफ यू वॉन्ट देयर हेल्प यू कुड एक्चुअली आस्क। ठीक है, here we go जी। नंबर वन, पहला VCR 1956 में पियानो के साइज का बना था, इज दैट ट्रू और फॉल्स? सच या झूठ? पियानो के साइज का, आई थिंक दैट्स फॉल्स। दैट्स फॉल्स, झूठ। आप पूछ सकते हैं, आपको मालूम है? आई डोंट नो। यू डोंट नो, तुम बताओ पियानो के साइज का था? थैंक यू जी। आपको पता है? नहीं, आपको भी नहीं पता। सो व्हाट डू यू थिंक? झूठ है, पियानो के साइज का तो नहीं था। आपके ख्याल में सच है झूठ है? एक्चुअली इट इज ट्रू। इन 1956 द वेरी फर्स्ट VCR वाज एक्चुअली द साइज ऑफ पियानो। यस इट इज। अच्छा जी, दिस वन इज एक्चुअली वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। लेट्स जस्ट सी इफ यू कैन गेस दिस। मंकी अगर उसको 1,000 फुट से फेंका जाए तो वो हवा में उड़ने की सलाहियत रखता है। मंकीज कैन फ्लाई अगर आप उनको 1,000 फुट से नीचे फेंकें। अब कुछ मंकीज होते हैं जो फ्लाइंग मंकीज कहलाते हैं, तो हर नस्ल शायद ना उड़ सके, बट कुछ मंकीज होती हैं विच आर फ्लाइंग मंकीज। विच आर फ्लाइंग मंकी? हाँ। एनीवन? आप तो कराटे में रहे हैं, आपने तो सारे पोजेस बनाए होंगे। लेकिन उसका डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है जो आप बता रहे हैं। अच्छा, तो यू थिंक इट्स झूठ या सच? नहीं, मैं कहती हूँ सच है। झूठ है? अच्छा, दुनिया में कोई बंदर नहीं उड़ सकता। 14,000 फुट से नीचे गिरे मर जाएगा इसी से। मोती यानी वर्ल्ड सिरके में पिघल जाते हैं, इज दैट ट्रू और फॉल्स? नहीं, दैट्स विनेगर। हाँ, पिघल जाते हैं। हाँ, ये तो नेचुरल है ना। हाँ, दैट दैट इज वेरी वेरी ट्रू। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो अपनी हल्फ बर्दारी की तकरीब में पैसे उधार लेके गए थे, इज दैट ट्रू और फॉल्स? कुड बी ट्रू। कुड बी ट्रू? हाँ। व्हाई वुड यू से दैट? क्योंकि हमारे यहाँ की तरह बाहर मुल्कों के प्रेसिडेंट आर नॉट बॉर्न रिच। इज एक्चुअली ट्रू, सही बात है। और ये मैंने सवाल इसीलिए रखा था बिकॉज ऑनेस्टली यार सोच के देखें, अमेरिकन प्रेसिडेंट
अपनी इनॉग्रेशन के अंदर पैसे उधार लेके जा रहे हैं। अच्छा जी,